रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। 8-9 जून की दरमियानी रात बस स्टैंड में महिंद्रा ट्रेवल्स में ड्राइविंग का काम करने वाले बहादुर सिंह की पुलिसकर्मियों चंद्रभान भदौरिया और सुरजीत सिंह सेंगर ने सोते हुए उठाकर गाली गलौज की, फिर उसे जबरन थाने लाकर बेरहमी से पट्टों से पीटा। मन शांत नहीं हुआ तो उसे अगले दिन जेल में ही भेज दिया। मामला सामने आने के बाद बस कर्मचारी संघ ने घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज की, तो वहीं दूसरी ओर सिख समाज ने भी दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों समेत रायपुर कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती द्वारा की गई जांच के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षकों को सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं महिंद्रा का स्टाफ हूँ, ड्राइविंग करता हूँ महिंद्रा कंपनी में। और मेरे साथ इतवार को पुलिस वालों की तरफ से दुर्व्यवहार किया गया। मैं सोया था अपने नंबर से आके, खाना खा के थोड़ा टहल रहा था और पुलिस वालों के आने के वो गलत गुप्तंगों में डंडा लगा लगा के उठा रहे थे, तो बोलने से उन्होंने माँ की गाली दिया और मेरे साथ हाथापाई किए। और मैंने उनको कुछ नहीं कहा, हाथापाई के दौरान कुछ लग गया होगा तो नहीं बोल सकते, पर उन्होंने मेरे को यहाँ से डंडे में पीटा और थाने ले जाके, जहाँ कैमरा नहीं था वहाँ ले जाके मेरे को और कोड़ों से मारा गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से एक ड्राइवर भाई को उनके द्वारा पीटा गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दुर्व्यवहार एक सिख भाई के साथ यहाँ पे की गई है। और मेरा पगड़ी भी गिरा है और मेरे को बालों से पकड़े हैं, केसों से मेरा जूड़ा पकड़ के खींचे हैं और एक पुलिस कर्मचारी ने पूरा गर्दन सूझ गया है, कंठ भी सूख रहा है, रोटी नहीं खाया जा रहा, पूरा दबा के और डंडों से पीटे हैं और थाने में ले जाए। अच्छा जी, आओ।